काम हो सकता है मेहता से। मेरा एक दोस्त है गोपाल, उसका एक फ्लैट खाली है। ओए पापा जी। अगर चुपचाप हम लोग किसी को बिना बताए उधर चले जाए तो बढ़िया आइडिया जो चला। ये हुई ना बात। हाँ अरे लेकिन यहाँ से निकलते वक्त पकड़े गए तो? अरे भाई हम लोग एक साथ थोड़े ही जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। क्या ना एक कस्टमर की अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है, वो चाहे रात को 2 बज जाए पर पहुँचानी है। सुनिए सच्ची मुच्ची। बोल भाई बोल, आज अचानक कैसे याद किया? अरे भाई वो 31 की एक प्राइवेट पार्टी है तो उसके कुछ पास आए थे मेरे पास। अच्छा तो वो तुझे बेचने? कर देना छोटी बात। अरे भाई मुझे तो ये पूछना था कि तू पार्टी में आ पाएगा, तेरा और कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? प्रोग्राम वैसे वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब दोस्त लोग ने मिलकर एक प्रोग्राम तय तो किया है। तो उनको भी साथ मिले क्या? अरे लेकिन हम लोग तो 8-10 लोग है भाई। अरे तो क्यों चिंता कर रहा है, मेरे पास 15-20 पास है। तो भूखे पापा आपने फोन किया? अरे इधर आज ये साल का आखिरी दिन है तो इतनी ग्राहकी है, इतनी ग्राहकी है कि लाइन लगी है लोगों की, टीवी फ्रिज सब खरीदने के लिए। बोल पूरा पड़ी। हाँ तो क्या सब हिसाब किताब करके घर पे पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, मजा आ जाएगा जेठालाल। पार्टी 2 बजे तक चलेगी तो वो हिसाब से जो भी बहाना बनाना है घर पे वो हिसाब से बना देना। ठीक है ओके चलो। सबको पार्टी के लिए इन्फॉर्म कर दूं, सबसे पहले सोड़ी, सबसे ज्यादा वही उत्साही है। ओ मेरा लाओगा फोन, और मेरा साहब पार्टी शाड़ी का प्रोग्राम शुरू बन गया। हाँ सोड़ी प्रोग्राम बन गया है, रात को हमें पार्टी के लिए हैप्पी पैलेस जाना है। तू एक काम करना, अपनी जीप लेके ठीक 9 बजे अपने गोकुलधाम के जो पीछे रास्ता है ना, जो ऊपर जाता है वहाँ पहुँच जा। ओ मेरा साहब वो रास्ता तो थल्ले आता है। सोधी जो रास्ता ऊपर जाता है दोस्त, वो नीचे भी तो आता है। अब मेहता साहब वही रास्ता नीचे से ऊपर भी तो जाएगा ना। हाँ सोधी ठीक है भाई, वही रास्ता जो ऊपर नीचे आता जाता रहता है ना उस पे मिल जाना। ओके और समझ गया जी, एकदम समझ गया। ठीक 9 बजे और शाम 9 बजे दन दना दन दन दे दना दन और पार्टी जाती बल्ले 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 और गड्डी फटाफट ठीक करो भाई। आलू गोभी मटर चना दाल तड़का पुलाव पराठे, कल का डिनर यही रहेगा हल्का फुल्का। ओके। वो 8 बज गया, सबसे पहले डॉक्टर हाथी को फोन कर दूं, उन्हें टाइम लगता है। हेलो डॉक्टर हंसराज हाथी स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर हाथी। अरे मेहता साहब कहिए कैसे हैं? मेहता साहब नहीं पेशेंट बोल रहा हूँ, 31st पार्टी। अरे वो क्या है ना कि हमारे सोसाइटी में एक मेहता साहब रहते हैं, उनके जैसी आपकी आवाज लगी, तो कहिए क्या हुआ है? डॉक्टर हाथी पेशेंट को देखना है, विजिट पे आना है। अरे हाँ पेशेंट बीमार है, आना ही पड़ेगा। अरे पेशेंट रात को बीमार हुआ है तो रात को ही आना पड़ेगा ना डॉक्टर हाथी। पर पेशेंट को हुआ क्या है? अरे डॉक्टर मैं हूँ कि आप डॉक्टर हाथी, अब बीमारी तो आप बताओ ना कि क्या हुआ है। अच्छा अच्छा तेज बुखार है। हाँ तेज बुखार है। हाँ अभी आता हूँ। कोमल हाँ जरा वो मेरा बैग देना। हाँ भी लाई। अरे तुम कहाँ चल देते बंठन के? बबीता मैं रिसर्च सेंटर जा रहा हूँ। What? तुम क्या 31st वहाँ पे मनाने वाले हो? good job. अरे बबीता तुम्हारे बगैर मैं कभी 31st मना सकता हूँ? वो तो आज रात को 2 बजे एक बहुत बड़ा स्टार टूट कर गिरने वाला है। हाँ मैं उसकी रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। पर ये बात न्यूज में तो नहीं आई। न्यूज में तो कल आएगा ना? आएगा ना? गिरेगा तो आएगा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे को भी मालूम नहीं थी। हाँ? मतलब रिसर्च सेंटर से अभी मेरे को फोन आया। अब बबीता देखो ना, नए साल की शुरुआत काम से होगी, कितनी अच्छी बात है ये, है ना? तो मैं चलूं? बाय, मैं जाता हूँ। ओके बाय। ये लो हंस। थैंक यू कोमल। लेकिन हंस तुमने तो पेशेंट का एड्रेस लिया ही नहीं। अरे नहीं वो मुझे SMS करने वाला है। ओके अरे सॉरी प्लीज जरा उठा के दे। इतने टेंशन में आ जाते हो तुम पेशेंट की वजह से। कम ऑन चिल। थैंक यू कोमल, थैंक यू।
कोमल अब मैं चलता हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। कितनी देर लगेगी? कोमल पेशेंट बीमार है, सीरियस है, हो सकता है दो भी बज जाए। ओके हंस, मेन डोर यहाँ है। अरे पेशेंट बीमार है, टेंशन में मैं आ गया हूँ। थैंक यू। बेचारे हंस। माधवी मैं तो कहाँ जा रहे हैं आप? ये इसलिए रिपेयर करवाने। इतनी रात को? हाँ क्या है माधवी कि 2011 के पहले दिन स्त्री और स्त्री दोनों अच्छी रहे। मतलब स्त्री तो अच्छी है ही, अभी साथ में स्त्री भी अच्छी होनी चाहिए ना, हो कि नहीं? हो चल मैं तो। पर इतनी रात गए कहाँ से स्त्री रिपेयर करवाएंगे? स्त्री वाले के पास, उसकी दुकान अगर बंद रहेगी ना माधवी तो उसके घर पे जाऊंगा, चाहे रात के 2 बजे सुबह के 5 बजे, लेकिन मैं इसलिए रिपेयर करवा के ही रहूंगा। चलिए तुम ही। काय? आप दक्की स्त्री रिपेयर करवाने ही जा रहे हो ना? हाँ क्यों? तो शूज क्यों पहने हैं? वो शूज ये किसकी वजह से? ये देखो ना माधवी, इसमें कितनी गैप है और इस गैप में से ठंड बहुत लगती है पैरों को, इसलिए मैंने शूज पहने। वो देखो यहाँ भी बटन लगाया मैंने ताकि अंदर हवा ना जाए। हाँ चलिए तो। अंजलि पानी लाना एक ग्लास। जी लाई। तब तक फोन ऑफ कर दूं। हाँ भास्कर। नहीं नहीं दादर स्टेशन। अरे कतई नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अरे टाइम तो देखो भास्कर। हाँ अभी नहीं आ सकता भास्कर, पैसे चाहिए तो घर आके ले जाओ, 15,000 क्या 20,000 लेके जाओ। क्या गांव जाना है? 10 बजे की ट्रेन है। जेब कट गई मतलब? हो। अच्छा भास्कर एक काम करते हैं फिर, मैं क्या करता हूँ कि कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देता हूँ, तुम जैसे ही गांव पहुंचो पैसे निकलवा लेना। अरे यार तू डेबिट कार्ड पर्स में क्यों रखते हो, कि पर्स के साथ डेबिट कार्ड भी चोरी हो गया, अब पैसे कैसे निकलवाओगे? लेकिन भास्कर इस वक्त यार दादर स्टेशन आना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक मिनट तारक, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है तो जाओ ना, जाके मदद कर दो ना। अरे इतना भाव क्यों खाते हो? अरे लेकिन अंजलि जाना कैसे पॉसिबल है? अरे तारक जाओ ना, पैसे दे कर आओ। प्रैक्टिकल नहीं है अंजलि। तारक चलो अब तुम कहती हो तो जाता हूँ, वरना प्रैक्टिकल नहीं है वो। ठीक है भास्कर मैं आता हूँ। हाँ हाँ तुम मेरा इंतजार करो, मैं पहुंचता हूँ दादर स्टेशन। नहीं नहीं तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी, आ रहा हूँ। अभी देखो दादर जाना पड़ेगा। क्या तारक कौन सी बड़ी बात है, मुसीबत के वक्त दोस्त ही तो काम आते हैं और उसी को तो दोस्ती कहते हैं। वो सब ठीक है अंजलि, लेकिन तुमने तो कह दिया कि चले जाओ, लेकिन कब जाऊंगा कब आऊंगा? मुझे लगता है आते आते पौने दो तो बज ही जाएंगे। एक मिनट तारक, 2 क्यों बजेंगे? अरे दादर स्टेशन पहुंचना है ना, 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे और 10 बजे की तो ट्रेन है। अरे तो... अंजलि ट्रेनों का क्या भरोसा, टाइम पे थोड़ी चलती है। और अगर ट्रेन नहीं छूटेगी तो मेरा दोस्त मुझे नहीं छोड़ेगा, और मेरा दोस्त नहीं छोड़ेगा तो मैं स्टेशन कैसे छोड़ूंगा? तुम दो कदम पकड़ के चलो, मैं तैयार होता हूँ। डॉक्टर आदि तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। सही बात है, लेकिन ये बात तुमने अभी क्यों कही? पार्टी का कपड़ा तुम घर से पहन कर आए? नहीं नहीं अय्यर भाई, ये कपड़े मैं बैग में लेके निकला था, रास्ते में चेंज कर लिए। क्या बात है, क्या बात है। वो एक में बस सेक्रेटरी साहब। अरे आलो हट। हमारा हाँ। अरे हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, ट्यूशन पर नहीं, कुर्ता पहन कर आ गए। अरे अय्यर भाई कुर्ता पहन कर आया इसलिए मैं घर से निकल पाया। है? मतलब बता दे महाती भाई पकड़। अरे अरे भिड़े ये क्या कर रहे हो भाई, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तो पटला रुको तो सही। अरे वाह
क्या बात है, अपने जमाने में से आज के जमाने में आ गए हो? सही बात है। क्या बात है, हंस रहे हो सारे लोग? आप कितने लेट हो गए आप? अरे भाई क्या बोलूं, घर से ये बोल के निकला कि मैं दादर जा रहा हूँ। आप दादर से आ रहे हैं? यार अभी नहीं प्लीज। हाँ रास्ते में मॉल में रुका, कपड़े खरीदे, वहीं ट्रायल रूम में चेंज किए और चेंज करके सीधा आ रहा हूँ। फिर आप दादर कब जाएंगे? ए भाई यार भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। यार बाकी सारे लोग कहाँ हैं? बाकी लोग भी आपकी तरह लेट लतीफ हैं, आ रहे होंगे। आराम से अब्दुल, ये क्या है? सोडा। क्यों? अरे बाबा पार्टी में कम पड़ गया तो स्टॉक। सही बात है। अरे लेकिन तुझे लेट क्यों हुआ भाई? तुझे कौन सा अपनी बीवी से झूठ बोलना था? अरे आप लोग तो अपनी अपनी बीवी को झूठ बोलकर आ रहे हो, मैं तो आप सबकी बीवी को झूठ बोलकर आ रहा हूँ। क्या मतलब? अरे बाबा जैसे ही मैं दुकान बंद करने जाता था तो कोई ना कोई आ जाती थी। अरे अब्दुल भाई ये चाहिए, अरे अब्दुल भाई वो चाहिए। अरे इतना अच्छा ड्रेस पहन के इतनी जल्दी दुकान बंद करके कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा उनको समझाते समझाते मैं लेट हो गया। चलो अभी चलो भाई, चलो अब चलो चलो। क्या चलो चलो भाई, जिसकी गाड़ी में जाना है वो कहाँ? मुझे तो लगता है कि प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। आ गया आ गया, चलो यार आ गया। सॉरी जल्दी करो, देर हो रही है यार। चलो 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 भाई चलो। अरे चलो सोड़ी, अरे सबको तो आने दो यार, कमाल करते हो। अरे सब तो आ गए भाई, सोड़ी चल। मेरे हिसाब से एक बंदा कम है। अरे भाई एक दो तीन चार पाँच छह सब आ गए भाई, कौन कम है? मेरी गिनती के हिसाब से एक बंदा कम है, और जेठा बड़ा की तरह। अरे भाई वो डायरेक्ट आने वाला है, सोड़ी यहाँ से पहले चलो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चलो भाई चलो। अरे सोड़ी जरा आराम से ब्रेक मार यार। अरे हंडी ब्रेक ब्रेक चल, ब्रेक डांस की बात कर यार, चल चल भाई। यार सोड़ी तू यार। अरे यार चलो ठीक जगह तो आए, यहाँ कोई पार्टी जैसा ना तो कोई माहौल है ना कोई नजर आ रहा है। अरे भाई कहाँ से होगा, प्राइवेट पार्टी जो है। मैं हिरजी, जेठा का कजिन। ओ क्या बात है, अरे वाह। आप सब गोकुलधाम वासी हो ना? हाँ हाँ। और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का। ये भाई पहचान बाद में, पहले पार्टी। सही बात है। आई 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 आओ आओ। थैंक यू थैंक यू। जेठालाल के भाई तो कमाल के निकले। सही बात है। अरे लेकिन जेठालाल का है? अरे आ गया भाई। क्या जगह हिरजी, मान गया दोस्त, मान गया। देखा देखा ये है मेरा भाई, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का साथी। जेठालाल भाई हो तो ऐसा। अरे हिरजी हेकड़े गालता चो? पूछो पूछो। ये हमारे अलावा और कोई इधर दिख नहीं रहा है हैप्पी होने के लिए? तुम्हारे अलावा और कोई दिखेगा भी नहीं जेठालाल। इतनी तेजी से कहाँ चला गया ये? एक मिनट पूछ के आता हूँ। तो दरवाजा लॉक है। ध्यान से देखो ध्यान से। अरे हिरजी, ए हिरजी, हिरजी। अरे भाई दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ। रुको अभी लाइट भी बंद करता हूँ। हिरजी हिरजी नहीं नहीं हिरजी हिरजी देख हिरजी नहीं नहीं देखो बिल्कुल नहीं हिरजी। केड़ा का मनुष्य क्या हो रहा है यार? मैं दुनिया हिला दूंगा। अब अंधेरे में मनाओ 31st। हिरजी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ। जेठालाल ये तुम्हारा कजिन क्या कर रहा है?
एक मिनट शांति रखो यार भाई। अरे इर्जी भाई ये तो क्या कर रहा है, अरे दरवाजा खोल भाई। याद है जेठा, बचपन में तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैं तुझे लॉक कर रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, बाय। अरे इर्जी, अरे इर्जी। क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं है पोपटलाल, ये जेठालाल के पापों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। सही बात है। और जेठा प्रा क्या है यार, और तुमने 31 का सारा सेलिब्रेशन बिगाड़ के रख दिया। और तेनू की जरूरत थी वो हीरजी को अंधेरे कमरे में बंद कर देने की। बोल ना। और नहीं तो क्या? सड़ी, जो काम नहीं करना होता है ना जेठा लाल वो पहले करता है। अरे अब तो जेठा भाई की वजह से सुबह तक बिना खाए पिए रहना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। जेठा लाल, मेहता साहब, सबने ताने मारे, अब आप भी ताना मारेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मतलब हमारे बोलने का कुछ असर ही नहीं है। अरे भिड़े, एक मिनट शांति रखो भाई। हम सारे लोग जेठालाल पे आरोप लगा रहे हैं, अब वो हीर जी इतने सालों पहले कोई चीज हुई उसका बदला आज निकाल रहा है, इसमें जेठालाल क्या करे? तो नहीं, जेठालाल क्या करेगा वो मसला नहीं है। अब ये सोचिए कि रात भर हम सारे करेंगे क्या, फूके फोड़ेंगे और क्या। ओए, सुबह बीवी को कहेंगे क्या? मुझे क्या मालूम भाई, मेरी शादी हुई है। नहीं तू बता। हाँ? इसको भी नहीं, इसकी शादी कहाँ हुई है? क्यों पोपटलाल, तुमने बोला था ना सोडा शॉप पे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पत्रकार पोपटलाल बैठा है। है, मेरा मतलब है खड़ा है, अभी भी खड़ा है, लेकिन ये प्रॉब्लम जेठालाल की वजह से हुई है। क्यों सोनी? यार भाई, अदी भाई बताइए। बराबर है भाई, क्यों? आओ भाई आओ। अब छुपने से कुछ नहीं होगा, तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए। और मिस्टर तारक मेहता, ये तो दादर स्टेशन है ना, और वो ट्रेन कहाँ है जिसमें आपका दोस्त जाने वाला है और उसे पैसे देने हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अरे अंजलि भाभी, ये दादर स्टेशन थोड़ी है। हाँ? तो? अरे ये एक साइंस रिसर्च सेंटर है। और आपको पता है अभी थोड़ी ही देर में ना यहाँ पे एक ताड़ा टूट के गिरने वाला है, और आइगर उस पे रिसर्च भी करेगा, है ना आइगर? आहो, सुबीत सुबीत, इस्त्री कहाँ है? हंस, तुमको देखकर लग रहा है कि तुम खुद ही पेशेंट बन गए हो। सुन रोशन, रोशन सिंह सोडी जी, तुम तो गड्डी की अर्जेंट डिलीवरी करने गए थे ना, तो आए छे तारी डिलीवरी। हाँ, और पापा टपू के यहाँ पर एलसीडी की लाइन कहाँ पर है? जवाब दो, कौन है बे? मेरा बाप। दो
दोस्तों अंधेरे से उजाले की ओर तो आ गए हैं हम गोकुल धाम के मर्द, लेकिन हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है क्योंकि सामने है हम सबकी पत्नियों की फौज और उनके सवाल। अब इन सवालों का जवाब कैसे दें भाई? हमारी हालत ठीक वैसे ही है जैसे शेर के पंजे में चूहा होता है। हाई कोर्ट जैसी पत्नी और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट जैसे चाचा जी, वो मांग रहे हैं हमसे जवाब, लेकिन अब मर्द क्या करें? हम हैं कि मानते नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी हम रंगे हाथों पकड़े गए हैं और हमारी पार्टी का प्लान फ्लॉप हो चुका है। हीर जी नाम के जाल में हम लोग कबूतर की तरह फंस चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? न मैं जानता हूं न आप। आंखों के आगे हैं ढेर सारे सवाल, सवालों के आगे थरथराते हुए हम गोकुल धाम के मर्द। अब क्या होता है इस 31 दिसंबर की रात को हमारे साथ, ये जानने के लिए बस आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला एपिसोड देखिए और ठहाके लगाइए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।